वहां शुक्राचार्य के ही दो पुत्र थे, संड और अमरक। एक को सुनता नहीं था, एक को दिखता नहीं था। ऐसे वो टीचर थे पढ़ाने वाले दैत्य बालकों को, उनको बुलाया और कहा कि मेरे पुत्र को लेकर के जाओ। और दानवी मानवी मानव को मारने वाली दानवी असुरी माया विद्या सिखाइए। वहां गए, लेकिन वो तो गर्भकाल में ही भक्त बन गया था, भगवान का प्रेमी बन गया। अब जन्म असुर जाति में लिया तो क्या हुआ, लेकिन संस्कार कभी जाते नहीं है। गर्भकाल में भगवान से प्रेम हो गया और गुरुकुल विद्यालय में जाकर के और दैत्य बालकों के साथ में जाकर के प्रभु के नाम का कीर्तन करने लगा। जब कीर्तन कर रहा था तो संड और अमर को सुना, डांटा, उनका भी हाथ पकड़ा और संड अमर के भी कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। कुछ समय ही हुआ, कुछ समय के बाद में अपने पुत्र को हिरण्यकश्यप ने घर पे बुलाया और गोदी में बिठाया। गोदी में बिठा करके पूछने लगा, बेटा तूने अब तक क्या काम किया, कितनी विद्या पढ़ी है, कौन सा पाठ पढ़ा है, कुछ तो ने पढ़ा है तो मुझे सुना। हिरण्यकश्यप की गोदी में बैठ करके भक्त प्रहलाद, जिसका नाम था प्रहलाद, जिसके जीवन में कोई अहलाद ना हो, कोई अहम ना हो, अभिमान ना हो, वह है प्रहलाद। जिसके मन में कोई परायापन न हो, जगत को अपना ही देखे, वह है प्रहलाद। प्रहलाद ने पिता की गोदी में बैठ करके नवदा भक्ति का पाठ श्रवण करवाया। सवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये क्या है, आप मुझे कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं ये? प्रहलाद ने कहा, पिताजी इसका नाम है नवदा भक्ति, नौ प्रकार की भक्ति है, जीव इसमें से एक प्रकार की भी भक्ति कर लेता है तो जो सहज उसका बेड़ा पार हो जाता है। अगर आप भी एक भी भक्ति कर लोगे इसमें से तो आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। बोले क्या है, किसकी भक्ति है? बोले नारायण की। बोले क्या, गोदी से फेंक करके मारा, खबरदार तूने मेरे नारायण का शत्रु का नाम लिया तो तेरा वध कर डालूंगा मैं अभी। कयादु आई, कयाधे ने कहा कि आप क्यों बच्चे को प्रताड़ित करते हो, ये तो बालक है, अभोर है, कोई जानता नहीं है, आप इस प्रकार से फेंक करके मारा, चोट लग जाती तो क्या होता, माँ को अगर कोई बच्चे कुछ कह भी दे ना, कोई भी कुछ भी कह दे तो माँ को बड़ा दर्द होता है, चाहे कुछ बसाते वो कुछ बोले ना, लेकिन दर्द होता है। मेरे बच्चे को थप्पड़ मार दिया, मेरे बच्चे को डांट दिया, और भय के कारण से डर के कारण से कुछ बोले नहीं, बात अलग, लेकिन अपने माँ गले से लगाती। आ बेटा तुझे डर तो दुख तो नहीं है, गले से लगाया और कहा तुझे चोट तो नहीं लगी? लेकिन नहीं माँ, मेरा तो बचाने वाला मेरा नारायण है, मुझे कौन मार सकता है। उन्हें संड अमर को बुलाया और बुलाकर के पुनः भेजा, और लेकिन वहां भी जाकर के वही भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। जब भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, जोर जोर से ले रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते 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 आवाज पहुंच गई हिरण्यकश्यप के कानों में। तलवार लेकर के, खड़ग लेकर के दौड़ा आया वही गुरुकुल विद्यालय में और कहा, कहाँ है मेरा बालक, कहाँ है मेरा बालक बता। नारायण 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 हल्ला कर रहा है, मैं देखता हूँ इसका नारायण अब कैसे बचाएगा। रोटी देने वाला मैं, पालने वाला मैं, रखने वाला मैं, मेरे रजवीर क्या ये पुत्र है मेरा बालक और नारायण के गीत गाता है, इसका भगवान तो मैं हूं। प्रहलाद ने कहा, पिताजी तुम
इस शरीर के पिता हो सकते हो, लेकिन मेरा मैं कौन हूं? मैं हूं आत्मा, मैं हूं शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम शिवोहम। ये संसार जगत प्रभु का है। मैं कौन हूं? मैं हूं आत्मा। आत्मा कौन है? आत्मा ही तो परमात्मा है। कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये आत्मा ही तो परमात्मा है, ये जगत पूरा परमात्मा का अंश है। ऐसा कोई जीव नहीं, जंतु नहीं, चिड़िया नहीं, जानवर नहीं, कोई नहीं जो परमात्मा के अलावा हो। सब कुछ ब्रह्ममय है। कण कण में विद्यमान रहने वाला, पत्ते पत्ते पर, डाली डाली में रहने वाला, पर्वत पहाड़ झरने समुद्र आदि में रहने वाला परमात्मा वही तो है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे दुर्वनीत मंदात्मना, कुल भेद कराधम स्तब्ध मच्छासनो दूतम यमक्षयम्। हे दुर्वनी, हे मंदात्मन, मंद बुद्धि वाले, बार बार समझाने के बाद में भी तू पर नारायण का नाम उच्चारण करता है, अब तुझे मैं इस खड़क से मारूंगा। अब बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी ये बोलो मेरा भगवान कहाँ नहीं है? आप मैं भी मेरा भगवान है, आप भी बिना भगवान के नहीं हो। न केवलम मे भवतस्य किसवे बलम बलिनाम च परेशान, परे अवरेमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता। मेरा भगवान पिताजी आपके हृदय में बैठा है, झांकिए जरा, देखिए तो सही, मेरा भगवान दिख जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे क्रोध मत दिलवा, मैं जानता हूं तो किसी की बातों में आ गया है, और मेरे शत्रु का नाम लेने वाला मेरा शत्रु है, तू बच नहीं पाएगा आज। क्या तेरा भगवान कण कण में है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, आप जहां दृष्टि डालो वही भगवान नजर आएगा। बोले अच्छा, क्या इस खंभे में तेरा भगवान है? बोले हाँ पिताजी, यहां भी मेरा भगवान निहित है। मेरा भगवान तो सर्वत्र है। कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। मेरा भगवान आपके प्रेम से उत्पन्न होता है। इस खंभे में भी मेरा भगवान बैठा है। बोले अच्छा, खंभे पर तलवार से लेकर के प्रहार किया, उसी समय खंभा तड़ तड़ करके पड़क फूट गया और सामने नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय। कि सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे हर खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह तो प्रत्येक खंभ में है, स्तंभ में है, लेकिन उनका दर्शन करने के लिए प्रहलाद के जैसा कोई भक्त हो। भगवान नरसिंह आज अपने भक्त की उस वाणी को सत्य करने के लिए खंभ से प्रकट हो गए।
और तुरंत पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को, पकड़ करके अपने जंघाओं पर बिठा लिया। फिर पूछने लगा हिरण्यकश्यप, तुम कौन हो? बोले कि मैं तुम्हें मारने आया हूं, मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेरे भक्त को कष्ट देता है, सताता है, उससे मैं अवश्य मारता हूं, छोड़ता नहीं, दंड देता हूं। भक्त मुझे बहुत प्रिय है। मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मेरे भक्त को जो प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, कोई दंड देता है, उससे मैं छोड़ता नहीं हूं। तुरंत ही अपने नखूनों से विदीर्ण करने लगे। हिरण्यकश्यप ने कहा, ठहरो, आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने कहा, क्यों नहीं मार सकता? बोले कि मैंने ब्रह्मा से वरदान जो प्राप्त किया हुआ है, आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने पूछा, क्या क्या वरदान मांगा? बोले कि मैं नर्स में ही नहीं मरूंगा, सिंह से भी नहीं मरूंगा, न मैं घर में मरूंगा, न मैं बाहर मरूंगा, न मैं अस्त्र से मरूंगा, न शस्त्र से मरूंगा, और न ही मैं इन 12 महीनाओं में भी मरूंगा। मुझे आप मार नहीं सकते। नरसिंह भगवान ने कहा, तुम्हें मारने के लिए मैंने, अब तो मुझे देखो, मैं नर दिखता हूं, न मैं नर हूं, न मैं सिंह हूं, आधा हिस्सा मेरा सिंह का, आधा नर का। मुझे पता है ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। तुमने वरदान लिया है, और देख मेरे पास ना कोई अस्त्र है, ना शस्त्र है, ये बड़े बड़े नखून हैं, इनसे तेरा पेट विदीर्ण करूंगा, फिर भी नहीं मार सकते। बोले, अब क्या हुआ? बोले कि 12 महीने में मैंने वरदान प्राप्त हुआ किया है, 12 महीनों में भी मुझे नहीं मार सकते। नरसिंह भगवान ने कहा कि मैंने तुझे मारने के लिए ये 13 महीना बनाया है, जिसका नाम है पुरुषोत्तम मास, तेरे लिए ही बनाया है, अब तुझे कोई बचा नहीं सकता। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु मुझे भी विनती तो कर ले दो, और तेरा उपकार है कि तेरा पुत्र भक्त है, और भक्त अगर तेरा पुत्र है तो तेरा भी उद्धार होगा। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का पेट विदीर्ण कर दिया और अंतड़ी निकाल करके अपने गले में धारण कर ली। एक हुंकार की आवाज लगाई, सभी देवता जो पुष्प की वृष्टि कर रहे थे आकाश मार्ग में, हुंबारंभ की आवाज सुन करके देवता घबराए, दौड़े दौड़े महालक्ष्मी जी के पास पहुंचे। हे माँ, आज आपके पति ने बड़ा उग्र स्वभाव रूप बना लिया है, चलो चलकर की उनके आप शांत करिए, आप ही शांत कर सकते हो। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे पति ने ऐसा रूप बना लिया? मेरे पति तो सहज हैं, वो तो ऐसा कभी रूप बनाते नहीं है। बोले, चल करके देखिए। देवता लेकर के आए तो उस रूप को देख करके एक हुंबारंभ की आवाज करी। महालक्ष्मी जी ने भागते भागते सांस अपने क्षीर सागर में ली। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।